हर्ष चौधरी को जानना है नोवा एग्री के बारे में। नोवा एग्री 55 में 3-4 महीने के लिए, तो क्या करना चाहिए इसको? नोवा एग्री बचपन में लिया है। ओप्स, बाप रे बाप, इसका रीडिंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ से। थोड़ा फंडामेंटल देख के आते हैं, शायद वहाँ से कुछ नंबर्स में समझ पाऊँ। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसिव, ओके, कुल मिलाकर के लिस्टिंग के नीचे अब ये जा चुका है। हाँ, इसका हमारे पास बहुत नंबर तो नहीं है रीड करने के लिए, लेकिन पैरामीटर्स वैल्यूएशन थोड़ा सा आउट जरूर है, लेकिन पैरामीटर्स खराब नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। तो अब इसमें हुआ ये है कि ऑल टाइम लो टूटा है ना, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स भी हैं राजीव जी, जिनका ऑल टाइम लो टूटा है लेकिन वो खराब नहीं है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा समझ इसलिए नहीं आ रहा कि एक तो डेटा कम है और एग्री सेक्टर पे मेरा व्यू कोई पॉजिटिव नहीं है। तो एग्री सेक्टर पे जब व्यू पॉजिटिव नहीं है तो मैं इसको 23 टाइम्स पे वैल्यू नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर ये 15-17 टाइम के आसपास रहता तो मुझे बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन ये 23 टाइम के आसपास मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। अब रही बात ऐसी कि ऑल टाइम लो टूटने के बाद नया सपोर्ट कहाँ बनता है इसका आइडिया नहीं लगता है। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे और इसमें जिस तरह का वॉल्यूम भी है ना, वो वॉल्यूम ऐसा है कि बहुत कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक चीज जरूर मैं देख के समझ सकता हूँ कि लो कहीं आसपास बन जाता है। अब वो 50 पहुंच चुका है ना, हो सकता है 10-20% के आसपास में इसका लो कहीं डिफाइन हो, पॉसिबिलिटी रहेगी। इससे ज़्यादा अभी विजिबिलिटी नहीं है मुझे, बिकॉज मैं इसका अगर 20% डिस्काउंट भी लेता हूँ मल्टीपल का, तो मुझे करीब करीब वो 17 टाइम पे लेके जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट बनता है। उसके हिसाब से 40 रुपये तक के भाव पे कंफर्ट बन जाना चाहिए, बाकी उस समय डिसाइड करेंगे। अब रिटर्न कहाँ से होगा, रिटर्न होने के लिए इसको 60 के ऊपर वापस आना होगा। तो उस केस में होगा ये कि अगर 60 के ऊपर आ गया ना, तो शायद ये आपका ये बताएगा कि करेक्शन कंप्लीट है, और फिर जो लेटेस्ट फ्लो होगा उसको आप अपना सैक्रोसेंट सपोर्ट मानिए और जो करना है कर डालिए, लेकिन 60 के ऊपर ही इसका उद्धार होगा।